हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम, उसके अंदर अभी हमारे पास केवल 4 महीने बचे हुए हैं, 4 भी नहीं 3.5 महीने बचे हुए हैं। तो ऐसे में आप लोगों की पेपर 2 की प्रिपरेशन जो है वो भी एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। और उस पेपर 2 की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है हमारा ग्रामर। आप सभी को पता है कि सीएपीएफ का जो पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 25 मार्क्स की आपकी ग्रामर आती है। और ये ग्रामर कैसी होती है, तो ये ग्रामर रिटन ग्रामर होती है, इट इज़ नॉट लाइक एसएससी या सीडीएस की जो ग्रामर होती है उसके जैसी नहीं होती। यहाँ पे आपको सेंटेंस गिवन होगा, उसमें कोई चेंज करने के लिए बोलेगा और वो आपको राइट करके करना पड़ता है। तो इट इज़ मोर और लेस एक सब्जेक्टिव बेस्ड ग्रामर। तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। और उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ग्रामर के लिए। तो इस वीडियो के अंदर आज हम ग्रामर के बारे में ही बात करेंगे फॉर सीएपीएफ एसी पेपर 2023 और 2024। आप किसी भी ईयर की तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक्स बदलेंगे नहीं, पिछले 5-6 साल से यही चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप ग्रामर जो है वो किस तरह से देख सकते हैं फॉर पेपर 2, एंड उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। 100+ मार्क्स जो है पेपर 2 के अंदर, उसको स्कोर करने में ग्रामर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ग्रामर के अंदर आपके 10-12 नंबर आ रहे हैं तो आप 100+ शायद ही क्रॉस कर पाओ, बहुत ही रेयर। आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा, और जो कि जरूरी नहीं है कि ऐसा कर पाओ। क्यों? क्योंकि टॉपिक्स कुछ भी आ सकते हैं, हो सकता है आपने पढ़ाओ, हो सकता है आपने ना पढ़ाओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं ग्रामर के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट भी की जा रही थी कि सर ग्रामर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज वो चीज़ जो है कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आप पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप पहले स्टूडेंट हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए आती रहेंगी फॉर द सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या है आपकी जो ग्रामर है उसकी, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो पेपर 2 जो है, जैसा मैंने बताया, वो 200 मार्क्स का है। उसमें एसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, ये सारे क्या हैं, ये सारे बहुत ही सब्जेक्टिव इन नेचर है। इसमें कोई भी टॉपिक आ सकता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो आप अच्छा लिखोगे नहीं लिखोगे, आपकी राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन ग्रामर जो है उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर का यहाँ मेरा मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिविटी है। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। लेकिन ऐसे आर्ग्यूमेंट में ये होता है कि आपने खराब लिखा कम मिल जाएंगे, अच्छा लिखा बढ़िया मिल जाएंगे। लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं होता, अगर आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। तो ये जो ग्रामर है वो काफ़ी हाई स्कोरिंग इन नेचर है। मैंने देखा है मेरे खुद के 2022 के पेपर में 22 out of 25 जो है वो मार्क्स आराम से बन रहे हैं। तो आप भी आराम से 20+ स्कोर कर सकते हो, और एक बार आपने 20+ स्कोर कर दिया तो आप ये समझ लो कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है पेपर 2 के अंदर वो चला जाएगा 100 तक। तो दूसरा, इसको कवर करना बहुत ही ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वही टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, आप बस उनको तैयार कर लो, आपका ग्रामर का काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% उसी में से ही आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वही हैं और वही घूमते रहते हैं, ठीक है। 25 मार्क्स की है तो आपको पता ही है कि कितनी इंपॉर्टेंस है। एक एक नंबर के ऊपर लोग बाहर होते हैं, मैं 6 नंबर पर बाहर हुआ हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक दो दो नंबर पर बाहर हो रखे हैं। तो अगर आप ये 25 में से 22, 23 ले जाते हो तो आपका काफ़ी अच्छा चांस जो है बन जाएगा। देन उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वही टॉपिक्स हैं, वही क्वेश्चंस हैं, घूम करके आते रहते हैं। सेंटेंस बदल जाएगा, टाइप वही रहेगा, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और ये आपके जो ओवरऑल स्कोर है पेपर 2 का, उसको बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसकी तरफ आपको ले करके जाएगा। सबसे आसान चीज़ जो पेपर 2 में है वो ग्रामर ही है, सही से की जा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप फॉर्मेट जान लो पहले कि ग्रामर का फॉर्मेट होता कैसा है, ठीक है। जो पेपर 2 है उसके अंदर ग्रामर आती कैसे है और कितनी आती है। तो ग्रामर के अंदर जैसे आपको पेपर 2 पता है, पेपर 2 में 6 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 1 ऐसे का, क्वेश्चन 2 आर्ग्यूमेंट का, क्वेश्चन 3 रिपोर्ट का, क्वेश्चन 4 आपका होता है पैसेज का, क्वेश्चन 5 होता है आपका प्रीसी का, और क्वेश्चन 6 जो आपका होता है वो होता है ग्रामर का। ये जो क्वेश्चन 6 है पेपर 2 का, ये ग्रामर का होता है, जो कि टोटल 25 मार्क्स का होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन 6 ए, क्वेश्चन 6 बी, क्वेश्चन 6 सी। क्वेश्चन 6 जो ए है उसमें आपको 10 सेंटेंसेस गिवन होंगे और आपको बोला जाएगा कि इस सेंटेंस को ऐसे मॉडिफाई कर दो, ठीक है। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि क्या चेंज करना है, इसका वॉइस एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, वो आपको बताया जाएगा वहीं पर उस सेंटेंस के अंदर लिखा होगा। तो ऐसे 10 सेंटेंस आएंगे, हर एक सेंटेंस एक एक नंबर का है, तो यानी कि 10 नंबर तो ये हो गए।
देन उसके बाद क्वेश्चन 6B, इसके अंदर आपको 5 वर्ड्स दे रखे होंगे, उन वर्ड्स के या तो आपसे मीनिंग पूछेगा या फिर आपको बोलेगा कि ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनसे सेंटेंस बनाओ, या फिर हो सकता है प्लूरल वगैरह भी पूछ ले। तो ये दो दो नंबर का एक होता है, टोटल 10 नंबर ये भी हो गए। देन उसके बाद क्वेश्चन 6C, इसके अंदर टोटल आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि इसमें एरर है, वो एरर करेक्ट करो, ठीक है। और SSC या CDS की तरह ABCD मार करके नहीं बताएगा वो कि इतना पार्ट ए है, इतना पार्ट बी है, इतना पार्ट सी है, इतना पार्ट डी है, उसके अंदर एरर है, नहीं, वो सिंपल आपको बताएगा कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर एरर है, वो एरर ढूंढो और इसको ठीक करो, ठीक है। तो ये एक एक नंबर का होता है, टोटल 5 ही हो गए, तो टोटल हो गया 25 मार्क्स, ठीक है। ये आपको, आई होप आपको फॉर्मेट तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस किस फॉर्मेट के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए फॉर पेपर टू ग्रामर, ठीक है। टॉपिक्स, सॉरी, उससे पहले हम सोर्सेज भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आप पढ़ोगे कहाँ से, फिर क्या पढ़ोगे वो बताता हूँ। तो आप पढ़ोगे कहाँ से, ठीक है, पढ़ोगे और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो सबसे पहले आप जो ग्रामर है वो आप SP बख्शी बुक है उसके थ्रू कर सकते हो। SP बख्शी की बुक जो है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो कि मैं बताऊँगा वो सारे कवर्ड हैं। अगर कुछ नहीं होते हैं तो आप प्लिन टू पैरामाउंट बुक को भी रेफर कर सकते हो, इन दोनों में से कोई सी एक बुक रेफर कर लो, ठीक है, दोनों करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक कर लो, सफिशियंट है। देन उसके बाद अगर आपके कोई टॉपिक बच जाते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उनको देखो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मैंने अपने टाइम पे एक लेक्चर, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, एक कोई अमित सिसोदिया सर थे, उनकी यूट्यूब पर वीडियो थी, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। उसमें क्या है कि उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसी और भी यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। बाकी इन दो बुक में से कोई सी एक रेफर कर लो। कुछ लोग पूछेंगे कि प्रशांत जगताप सर की भी एक बुक है पेपर टू की, वो यूज़फुल है कि नहीं है। देखो, पेपर टू का जो ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट है, उस कंपोनेंट के लिए बोलूँ तो वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं लगती, मेरे को तो नहीं लगती, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैं वो टॉपिक्स उनमें जो लिखा हुआ उससे बेटर लिख सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, पढ़ने के लिए भी नहीं है वो इतनी। और दूसरी बात, वो 2018 तक की एडिशन है, उसके बाद है ही नहीं वो। तो ग्रामर के लिए भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर 60-62 पेज है सिर्फ ग्रामर के लिए, और वो 60-62 पेज जो है उसमें पूरी ग्रामर जो है वो समाप्त हो गई है, और उसमें 2014 से 18 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। तो आप देख लो कि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है, तो अवॉइड करना उस बुक को। और बाकी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 100-150-200 रुपए की बुक है, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं है। आपको एक बार फॉर्मेट पता चल जाएगा, वो भी देख सकते हो आप, चॉइस है आपकी, मैंने अपना ओपिनियन जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो ये बुक्स हैं जिनके थ्रू आप पढ़ सकते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी बेटर यही रहेगा कि आप ये बुक्स, कोई भी एक बुक पकड़ लो और यूट्यूब वीडियो जो है उनका सहारा लो, जिनके थ्रू आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके साथ साथ आप वैसे ही अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक मेरे को याद है, मैं एग्जाम से पहले ऐसी एक वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो थी अमित सिसोदिया सर की, उसको देख के गया, उसमें 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, उसी तरह के क्वेश्चन उधर आ रखे थे, उससे पहले तो मुझे फॉर्मेट भी नहीं पता था, ठीक है। तो वो देख सकते हो आप, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि आपको ग्रामर के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि आपको ग्रामर के लिए पढ़ने हैं, तो पहले क्वेश्चन 6A, जिसके अंदर आपको बोला जाएगा सेंटेंस का कन्वर्जन करना है, यानी कि आपको कुछ बोल देगा कि ये गिवन सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, इसको जो है करेक्ट यूसेज इसके अंदर इधर और नीदर नोर का यूज़ करो, ठीक है। देन उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देखो, एडजेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा करेक्ट यूसेज, इसमें क्या है कि इधर और, नीदर नोर, इधर नीदर, देन बट, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ये सारे वर्ड्स होंगे, इनका यूज़ करने के लिए बोलेगा और सेंटेंस बनाने के लिए बोलेगा आपको, उसी सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए बोलेगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसके अंदर बेसिकली आपको बोलेगा कि इस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दो, इसी सेंटेंस को जो है आप कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दो। देन कंजक्शंस के यूज़ का बोलेगा कि सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कंबाइंड दीज टू सेंटेंसेज विद यूजिंग दिस कंजक्शन एंड बोथ एज वेल एज इधर और, नीदर नोर, हार्डली हैड, ठीक है, नो सूनर, देन नॉट ओनली बट आल्सो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नॉट ओनली बट आल्सो सबसे ज़्यादा बार यही आता है, नॉट ओनली बट आल्सो, एज सून एज वेल एज, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आपसे क्वेश्चन टैग पूछा जाएगा, एक सेंटेंस लिखा होगा, बोलेगा इसको करेक्ट क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करो, उसका एक सिंपल रूल होता है, वो आप जहाँ से भी पढ़ोगे, जिस भी वीडियो को देखोगे उसके थ्रू आपको वो समझ में आ जाएगा, 5 मिनट का काम है सिर्फ। ये जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आपकी जो बेसिक ग्रामर है, जो आपने 8वीं 10वीं क्लास में जो ग्रामर पढ़ी है, जो आपको इंग्लिश लिखने के लिए ज़रूरत होती है, अगर वो ग्रामर आपकी ठीक है, देन इस ग्रामर को करने में आपको हार्डली जो है वो 5-6 डेज लगेंगे। अगर आप डेली का 4-5 घंटे दे रहे हो तो 5-6 डेज में आपकी ये ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है,
याद करने वाला कॉम्पोनेंट वो अलग है, यहाँ सिर्फ मैं पढ़ने और समझने की बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद इंटरचेंज के लिए बोलता है, लेकिन लिखा आता कोई सेंटेंस लिखा होगा जो कि सो डैट की फॉर्म में लिखा होगा और उसको बोलेगा कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू टू टू, ठीक है, सो डैट को हटा के टू टू का यूज़ करना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो आता है एक नंबर का। देन उसके बाद आगे और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो आपको इंटरचेंज बोल देगा कि जो अफिर्मेटिव सेंटेंस गिवन है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, नेगेटिव को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करो, इंटरोगेटिव को अफिर्मेटिव में कन्वर्ट करो, ऐसा भी बोल देता है। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, गिवन होगा असर्टिव सेंटेंस इसको बोलेगा एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करो, एक्सक्लेमेटरी गिवन होगा इसको असर्टिव में कन्वर्ट करो। देन डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट दे रखी होगी इंडायरेक्ट बोलेगा, इंडायरेक्ट दे रखी होगी डायरेक्ट बोलेगा। सिमिलरली वॉइस भी आते हैं, वॉइस भी आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। टेंस के अंदर भी चेंज बोल देगा कि इस सेंटेंस को कन्वर्ट करो टू पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करो टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, ऐसा भी बोलता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसमें लिखा होगा, कोई कोई एक वर्ड लिखा होगा कि यूज़ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड कन्वर्ट दिस सेंटेंस। सिमिलरली सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसमें क्या होगा कि आपको बोल देगा कि ये सेंटेंस है इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करो, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो। ये सारे आपको बुक में भी मिल जाएंगे और यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। देन सिंथेसाइज ऑफ सेंटेंसेज, मतलब सेंटेंसेज की फॉर्मेशन आपको करनी है उसके अंदर। तो ये मेन मेन टॉपिक्स थे जो कि आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूँ तो वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे वॉइस को लिखना भूल गया, ठीक है, वॉइस को मैं इधर लिखना भूल गया, वॉइस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आपका ये कंजक्शन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, क्वेश्चन टैग है, इसमें नॉट ओनली बट आल्सो वाला मैंने बता दिया, इंटरचेंज सो डैट टू टू, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन टू, तो क्वेश्चन सिक्स भी आता है जिसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स गिवन होंगे और उनके लिए आपको बोल देगा कि सेंटेंसेस बनाओ इनसे सो डैट द मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि गिवन आर द वर्ड्स, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस सो डैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज क्लियर। और उसमें आपको बोलेगा कि किसी तरह की कोई फॉर्म को चेंज नहीं करना है, इसका मतलब अगर सिंगुलर गिवन है तो सिंगुलर ही यूज़ करो, प्लूरल गिवन है तो प्लूरल यूज़ करो, प्रेजेंट में गिवन है तो प्रेजेंट में यूज़ करो, पास्ट में गिवन है तो पास्ट में यूज़ करो, चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। अब इसमें कौन कौन से टाइप जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, तो इसमें आपसे कौन कौन से टाइप पूछे जाते हैं, तो इसमें आपसे फ्रेजल वर्ब जो है वो पूछी जा सकती हैं, फ्रेजल वर्ब जो होती है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। लाइक आपसे कॉल ऑन पूछ लिया, पुट ऑफ पूछ लिया, लॉग ऑन पूछ लिया, लॉग आउट पूछ लिया, या आप कहाँ से पढ़ोगे तो SP बख्शी या प्लिंटू पैरामाउंट में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो, कोई एक PDF आपको मिल जाए 300-400 वर्ड जिसके अंदर लिखे हो, थोड़े थोड़े करके याद कर लेना, कॉमन कॉमन खुद प्रीवियस ईयर देखोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से वर्ड्स कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड्स कॉमन और इंपॉर्टेंट ना लगे उनको छोड़ देना। दूसरा, इसके अंदर वोकैबुलरी भी पूछी जाती है, ज़्यादा नहीं, फ्रेजल वर्ब सबसे ज़्यादा बार आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 4 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ, शायद 18-19 को छोड़ दो, 18-20-21-22, ठीक है, 20-21-22 और 2018, तो ये 4 साल मैंने देखा इसके अंदर क्या है, फ्रेजल वर्ब ही पूछे गए हैं। 19 में शायद वोकैबुलरी आ गई थी, तो वोकैबुलरी भी पढ़ सकते हो आप। देन उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल, ये कुछ 15-20 वर्ड होंगे, 50 वर्ड होंगे जिनमें सिंगुलर लिखा होता है उसका प्लूरल याद करना है। जैसे होता है ना कि जैसे कैसे बताऊँ, एम्प्लॉय होता है तो एम्प्लॉयज़ होता है, उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा प्यूपिल तो प्यूपिल्स हो गया, उसी तरह से आप जो है सिंगुलर और उनके प्लूरल जो होते हैं, लाइक बैक्टीरिया तो उसका बैक्टीरियम हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, एंटीना का एंटीना एंटीना ही हो जाता है, जो भी पीछे ई आ जाता है वो, तो वो सिंगुलर प्लूरल आपको याद करने होंगे, ठीक है। कुछ कुछ idioms एंड phrases होती है जो कि आपको याद करनी है, वैसे आज तक कभी idioms एंड phrases आई नहीं है, बट फिर भी बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी आ सकता है। आपने देखा होगा कि पैटर्न किस तरह से बदल रहा है, चाहे वो CAPF हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो CSC हो, UPSC अपने आप को और ज़्यादा बेसिकली क्या कर रहा है, अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है और ज़्यादा क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो बढ़ रही है, इवोल्व हो रही है, ठीक है। तो ये होमोनियम्स होते हैं, इसमें कुछ क्या होता है, दो वर्ड्स गिवन होते हैं जो दोनों वर्ड्स पढ़ने में सेम लगते हैं बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, तो ऐसा कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है आपसे, या उनके मीनिंग जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए आप रेडी रहो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन ये है, कैसे करोगे, बुक से भी कर सकते हो या फिर इंटरनेट पर सर्च करो, फ्रेजल वर्ब कुछ 400-500-600 वर्ड्स की PDF मिल जाएगी, थोड़े थोड़े करके उनको याद करते चलना, ठीक है, और सेंटेंसेस के थ्रू याद करोगे ज़्यादा आसान रहेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन 3, जो आपका जो सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है कि आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे होंगे, बोल देगा कि इन सेंटेंसेस के अंदर कुछ एरर है, इनको करेक्ट करो, अगर कोई एरर नहीं है, कुछ ना कुछ वैसे एरर होता ही है, तो क्या होगा कि या तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं हो रखा होगा, टेंस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा, ठीक है, ये टेंसेज के थ्रू क्वेश्चन सोल्व होंगे। वॉइस काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, टू के बाद ING आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, या ING के बाद टू आएगा कि नहीं आएगा, तो इस तरह की
वॉइस वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें आ जाते हैं, एडजेक्टिव इसमें आ जाएंगे, एडवर्ब इसमें आ जाएंगे। वही देख लो, मतलब जो पार्ट वन था जो मैंने बताया ना 6A क्वेश्चन और ये 6C क्वेश्चन, ये लगभग सिमिलर ही हैं। 6A को अगर ठीक से प्रिपेयर कर लोगे 6C ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। देन उसके अलावा प्रोनाउंस हो गई, प्रोनाउंस इसके अंदर पूछी जाती है ही शी, उसके साथ बेसिकली क्या आएगा। कुछ प्रोनाउंस के रूल होते हैं कि पहले फर्स्ट, मतलब अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों का यूज़ हो रहा है, देन 2-1-3, 3-2-1 इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं प्रोनाउंस से रिलेटेड, वो भी आपको पढ़ने होंगे। देन उसके बाद प्रीपोजिशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका विद हो गया, अंडर हो गया, ओन हो गया, इन हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। इसका एक क्वेश्चन तो पाएगा ही पाएगा आपका, ठीक है। देन उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद आपका आता है डिग्री, डिग्री के अंदर वही कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो डिग्री जो है वो गलत दे रखी होगी तो वो डिग्री आपको ठीक करनी होगी। आर्टिकल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें होता है कि इधर और, नीदर नोर, उसके साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ठीक है। सिमिलरली एज वेल एज के साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे या दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। उसी तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ये कुछ टाइप्स हैं जो कि इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स थे जो कि सबसे ज़्यादा जो है देखे जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, तो ये आप देख लो, इनका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना आप ले सकते हो वीडियो के अंदर से। एंड ये आपके ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के हैं। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है, इस लिस्ट के अंदर बहुत और भी टॉपिक्स आ सकते थे, बट मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं करे क्योंकि वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बट आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो इन टॉपिक्स को आप एज ए रेफरेंस लेकर के आगे पढ़ सकते हो और अपना जो ग्रामर है उसकी प्रिपरेशन जाओ कर सकते हो। अब उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ जनरल सजेशन देना चाहूँगा ग्रामर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जनरल सजेशन क्या है, सबसे पहला तो ये जो ग्रामर आ रही है वो SSC या CDS जैसी ग्रामर नहीं है। SSC और CDS में ऑब्जेक्टिव ग्रामर आती है, उधर क्या होता है हम लॉजिक के हिसाब से सोल्व कर देते हैं। हम सेंटेंस पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन तो फिट नहीं बैठ रहा है या ये वाला ऑप्शन फिट बैठ रहा है, और उससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और आप मानोगे नहीं, 80-85% सही हो जाते हैं उससे, ठीक है। मैंने भी SSC CGL वगैरह दिए हैं, मेरे 42-45 नंबर आ जाते थे आराम से। और कैसे ये फिट बैठ रहा है, इसकी सेंस सही बन रही है, ये लॉजिक सही लग रहा है, इससे सोल्व हो रहा है। बट यहाँ वो लॉजिक नहीं लगेगा क्योंकि इधर सब्जेक्टिव इन नेचर है, लिखने पड़ेंगे पूरे पूरे सेंटेंस, ठीक है। देन उसके बाद इसीलिए सब्जेक्टिव इन नेचर है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामर की। जो आप लगा लो कि आप डेली एक एक घंटा अगर पढ़ रहे हो तो आप 15-15, 20-20 मिनट जो है प्रैक्टिस करोगे ज़रूर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप 2011 से ले लो और 2011 से लेकर के 2022 तक लगभग 11-12 साल के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो कि इसी तरह की ग्रामर, CAPF की ग्रामर की प्रैक्टिस कराएंगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको रीड करना है और प्रैक्टिस करना है टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से। PYQs को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और PYQs को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, PYQs को देखना है कि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ऑल्दो मेरे हिसाब से तो मैंने सारे कवर किए हैं, बट एक आधा कोई टॉपिक अगर आपका बच गया है तो वो टॉपिक आप प्रीवियस ईयर से कवर कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि CAPF पेपर 2 की डिमांड क्या है, ठीक है। आपको अगर SSC के हिसाब से पढ़ने बैठ गए, CDS के हिसाब से, तो आप बहुत सारा स्क्रैप मटेरियल है जो पढ़ के चले जाओगे और उधर वो एग्जाम के अंदर आएगा नहीं, ठीक है। तो यहां पे आपको बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा और केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं ग्रामर के, केवल वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो यूज़फुल हैं, जो मैंने आप लोगों को बताए अभी। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने एक बार वीडियो बनाई थी हाउ टू स्कोर 100+ मार्क्स इन पेपर 2। मैंने उस वीडियो में चीख चीख के बताया था कि फ्रेजल वर्ब आएंगे, फिर भी बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखते थे उस टाइम पे। अब तो खैर नहीं लिखते हैं लोग, अब तो समझदार हो गए हैं, समझ में आ गया है कि ये इंसान ऐसा पागल नहीं है यू ही, ठीक है। अगर 3 बार एग्जाम क्लियर किया है तो नॉलेज तो है इसको, और जो बता रहा है वो सही भी होता है, और ठीक है। तो जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं वो आप पढ़ो, ठीक है। स्क्रैप चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं जिनकी PDFs बनती हैं, 400-500 रुपए की बिकती हैं, और उसमें जो कंटेंट लिखा होता है ना वो रद्दी होता है बिल्कुल। 2014 का डेटा वो 2022 में चिपका रहे होते हैं, ठीक है। नाम किसी का नहीं लूँगा, पता है जो समझने वाला वो समझ जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, सिर्फ काम की चीज़ें जो टॉपिक्स है वो आइडेंटिफाई करो और उनको पढ़ो, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो है मोर देन इनफ है, किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आपका सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर से ज्वाइन करो, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, किसी भी कोचिंग की जो भी आपको अफोर्डेबल लगती हो, जो भी आपको ट्रस्ट लगता हो उसको ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर मैंने टॉपिक जो बता दिए कुछ एक आधा छूट जाए, बिकॉज मैं भी एक पर्सन हूँ, हो गया 3 साल हो गए हैं, तो
कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो इधर उधर निकल जाती है दिमाग में से, तो वो अगर रह गई हैं तो PYQ में से आइडेंटिफाई करो और उनको आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जनरल सजेशंस थे, बाकी टॉपिक मैंने आपको बता दिए ग्रामर के रिलेटेड। तो ये अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो इन शॉर्ट आपका 15 नंबर तो कहीं नहीं गए। आपने अगर फ्रेजल वर्ब भी ढंग से याद कर ली ना, अगर 5 में से आपने 4 फ्रेजल वर्ब भी सही कर दी ना, तो आप मान के चलो ग्रामर के अंदर 18-20 नंबर आ रहे हैं आपके, और 90 प्लस तो आप आराम से जाओगे, ठीक है। 90 प्लस तो आप आराम से जाओगे, और अगर आपने ग्रामर 20-22 नंबर की कर दी, आप शायद 100 भी टच कर जाओ, ठीक है। और ग्रामर आपकी अच्छी हो जाएगी ना, तो आप जो लिखते हो ना, जो राइटिंग स्किल्स हैं आपकी, जो एसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट, वो भी आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करो, इन टॉपिक्स को बुक्स के अंदर से ढूंढो, पढ़ो, और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक हो सकता था, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और जो है आपको बाकी कोई और टॉपिक, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको कोई और टॉपिक मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी कोई और आपका कोई डाउट है उसके लिए आप मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मैं सभी के मैसेजेस, सभी की कमेंट्स का, ऑलमोस्ट सभी का रिप्लाई करता हूँ, और बहुत ही जल्दी रिप्लाई आ जाता है, लोग बोलते भी हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन जो है सही तरीके से करो, सही डायरेक्शन में करोगे तो फ़ायदा होगा। इधर उधर भागोगे, इधर उधर भटकोगे, ये बुक वो बुक, ये नोट्स वो नोट्स, पता चल जाएगा। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज CDS का एग्ज़ाम था, जितने भी लोग ऐसे थे जिन्होंने इधर कोचिंग के नोट्स, उस कोचिंग के नोट्स, इस टॉपर के नोट्स, उस टॉपर के नोट्स के चक्करों में पड़े होंगे ना, वो सारे लटके होंगे, क्योंकि CDS का पेपर जो है ना, सारा आधे से ज़्यादा पेपर NCERT में से बना हुआ है, ठीक है, और NCERT की लाइनों में से बना हुआ है। तो काफ़ी मेरे को तो ठीक लगा पेपर, और मेरे को तो आदत हो गई है तो मैं कर लेता हूँ, बट जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इधर उधर नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, उनका नुकसान होगा। तो ऐसा मत करना, अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करो और अपना पढ़ो, ठीक है। बाकी ये ग्रामर कंप्लीट हो गया है, ग्रामर के बाद आपको कोई और सब्जेक्ट मुझे रिकमेंड करना हो कि सर इसकी वीडियो लेकर के आओ, मैं डेफिनेटली लेकर के आऊँगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या है कि मैं भी बिजी चल रहा हूँ काफ़ी सारे काम में, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी डिले होकर के आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपका CAPF और CDS की तैयारी कर रहा है। एंड उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करके, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना यार, प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, उसके ऊपर रिसर्च करने में, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में, PYQs को देखने में, ठीक है, एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों को सिर्फ जस्ट एक लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कुछ भी नहीं, आपके 5 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 मिनट लगेगी आपकी सिर्फ, ठीक है। लेकिन मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से, ठीक है। तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपना कोई और रिकमेंडेशन हो कि सर ये वाली वीडियो चाहिए हमें इस टॉपिक के ऊपर, तो बताओ, मैं जरूर से लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।